लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक में कुछ हिंदूवादी संगठनों ने इस बाबत बवाल किया कि एक कॉलेज में, एक स्कूल में बकरीद के दिन नमाज अदा की गई और बकरीद दिन त्यौहार मनाया गया। दरअसल वो स्कूल ये कह रहा है, स्कूल के जो लोग हैं वो कह रहे हैं, प्रबंधन कह रहा है कि यहाँ पर हर त्यौहार मनाए जाते हैं, ये स्कूल समरसता का प्रतीक है, हिंदुओं के भी त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं, यहाँ मुसलमानों के त्यौहार भी मनाए जाते हैं, अगर कोई ईसाई बच्चा है तो उसका भी त्यौहार यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने उस कॉलेज को, उस स्कूल को टारगेट करके बाहर नारेबाजी की है, हंगामा खड़ा किया है, क्योंकि इन लोगों का मकसद है सिर्फ हंगामा खड़ा करना। ये देश में, राज्य में, गली मोहल्लों में हिंदू और मुसलमान के बीच विवाद पैदा करने की पुरजोर कोशिश करते रहते हैं। इनका मोटो ही यही है कि नफरत की फैक्ट्री चलाना है, हिंदू मुसलमान को लड़ाना है, एक विशेष पार्टी को वोट दिलवाना है, बहुसंख्यक वोट मिल जाएगा तो उस पार्टी का काम बन जाएगा। ये हमेशा से करते हुए आए हैं और यही करते रहते हैं। देखिए, इमरान खान ने बाकायदे वो वीडियो ट्वीट किया है और लिखा भी है कि किस तरीके से ये हिंदूवादी संगठनों ने इस तरीके काम किया है कि मतलब बकरीद के दिन जब उस स्कूल में सब हुआ तो किस तरीके बवाल किया। इन्होंने बाकायदे ट्वीट किया है, इंग्लिश में ट्वीट किया है, मैं हिंदी रूपांतरण आपको बता रहा हूँ। लिखा है कि स्कूल में बकरीद मनाने को लेकर हिंदुत्व समूह हसन में ज्ञान सागर इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ हथियार उठा रहे हैं। ये हिंदूवादी संगठन हथियार उठा रहे हैं। उन्होंने स्कूल के सामने विरोध प्रदर्शन किया और सोमवार को बंद का आह्वान भी किया कि स्कूल बंद रहना चाहिए, खुला नहीं चाहिए, नहीं तो बवाल कर देंगे, ऐसा वैसा कुछ। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि वे सभी त्यौहार मनाते हैं। ये कर्नाटक घटना है। प्रबंधन ने बताया कि हम सभी त्यौहार मनाते हैं और मनाते रहेंगे, इसके लिए हमें रोका नहीं जाना चाहिए। जरा आप वीडियो देख लीजिए किस तरीके से स्कूल के बाहर खड़े होकर हिंदूवादी संगठन हंगामा कर रहे हैं, देखिए वीडियो। तो वीडियो देखकर आप ये समझ गए होंगे किस तरीके से वहाँ पर हालात पैदा किए हिंदूवादी संगठनों ने, किस तरीके से वहाँ पर बवाल किया है। जी न्यूज़ हिंदी ने भी बकायदे इस खबर को तरजीह दी, लिखा है कि कर्नाटका न्यूज़, बकरीद के दिन स्कूल में हिंदू बच्चों ने पढ़ी नमाज, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा। कर्नाटक के हासन जिले के बकरीद समारोह के दौरान स्कूली छात्रों द्वारा कथित तौर पर इस्लामिक नमाज पढ़ने से राज्य में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक हासन जिले के चन्नराय पटना शहर के ज्ञान सागर इंटरनेशनल स्कूल की घटना बताई जा रही है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि घटना का वीडियो वायरल होते ही हिंदूवादी संगठन हरकत में आ गए और घटना की निंदा करते हुए हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने उत्पात मचाया और हंगामा किया। हिंदूवादी संगठनों ने और कई लोग ने हिंदू और ईसाई छात्रों कुरान की आयतें सुनाने के प्रबंध में फैसले पर आपत्ति जताई। हिंदूवादी संगठन के विरोध के बाद स्कूल प्रबंधन ने शनिवार को आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। हिंदूवादी संगठन कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बकरीद के अवसर पर सैकड़ों बच्चों को कुरान की आयतें सुनाने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि वीडियो में छात्रों को बकरीद के त्यौहार पर प्रदर्शन करते हुए एक शिक्षक को भाषण करते हुए दिखाया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि आरोप था कि छात्रों से नमाज पढ़वाई गई है। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है उन्होंने बच्चों कुरान की आयतें पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया और कोई नमाज नहीं अदा की गई। ये सद्भाव और अखंडता बनाने के लिए किया गया था, मतलब ये दिखाने के लिए कि हिंदू मुसलमान सब मिलकर त्यौहार मनाएंगे, किसी के अंदर भेदभाव की स्थिति नहीं होगी। समरसता का प्रतीक बन रहा था वो कॉलेज, वो स्कूल, वहाँ पर जो है सीधे तौर पर मुसलमानों का त्यौहार मनाया जाता है, वहाँ पर हिंदुओं का त्यौहार मनाया जाता है, सिखाया जाता है, गंगा जमनी तहजीब को तरजीह दी जाती है, वो सब चीज़ें होती हैं, तो ये गलत नहीं होता है। स्कूल प्रबंधन ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के केवल 3 बच्चों ने नमाज अदा की जबकि अन्य आंखें बंद करके बैठे रहे। स्कूल के शिक्षकों ने दावा किया कि यह कार्यक्रम धार्मिक त्यौहारों को बनाने के लिए आयोजित किया गया था। प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि केवल बकरीद ही नहीं, विभिन्न धर्मों के सभी त्यौहारों के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि हिंदूवादी संगठनों ने इस घटना को लेकर सोमवार को बंद का आह्वान भी किया कि सोमवार बंद रहेगा। मतलब हिंदूवादी संगठन ये चाहते हैं कि सब कुछ उनके हिसाब से हो, उनके अगर हिसाब से नहीं होगा तो वो बवाल करेंगे और वो संविधान और कानून से अपने आप को ऊपर समझते हैं। यानी अगर अपना त्यौहार मनाने के लिए वहाँ पर मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा कर ली, जो बच्चे थे वहाँ पे, भाई छोटे बच्चे रहे होंगे, नमाज अदा कर ली, तो इस पर बवाल क्यों मचाया जा रहा है। देखिए, जनता से रिश्ता नाम वेब पोर्टल ने बाकायदे लिखा है, कर्नाटक में बकरीद पर स्कूली बच्चों छात्रों द्वारा छंद पढ़ने से विवाद भड़क गया।
जबरन इस्लामिक प्रार्थनाएं पढ़ने से राज्य के जिले में विवाद पैदा हो गया। बताया जा रहा है कि जबरन ये सब कुछ कराया जा रहा है, लेकिन ये जबरन नहीं था। एक निजी स्कूल के बकरीद समारोह के दौरान छात्रों द्वारा कथित तौर पर जबरन इस्लामिक प्रार्थनाएं पढ़ने से राज्य के इस जिले में विवाद पैदा हो गया है। चन्नराय पटना शहर के ज्ञान सागर इंटरनेशनल स्कूल में हुई इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। घटना की निंदा करते हुए हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन भी किया। कई लोगों ने हिंदू और ईसाई छात्रों को कुरान की आयतें सुनाने के प्रबंध के फैसले पर आपत्ति जताई। विरोध के बाद स्कूल प्रबंधन ने शनिवार को आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। हिंदू कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इस अवसर पर सैकड़ों बच्चों को कुरान की आयतें सुनाने के लिए कहा गया। वीडियो में छात्रों को बकरीद त्यौहार पर प्रदर्शन करते हुए और एक शिक्षक को भाषण देते हुए भी दिखाया गया है। आरोप था कि छात्रों से नमाज पढ़वाई गई। प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि उन्होंने बच्चों को कुरान की आयतें पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया और कोई नमाज नहीं अदा की गई। यह सद्भाव और अखंडता बनाने के लिए किया गया था। प्रबंधन ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के केवल 3 बच्चों ने नमाज अदा की, जबकि अन्य आंखें बंद करके बैठे रहे। शिक्षकों ने दावा किया कि यह कार्यक्रम धार्मिक त्यौहारों को मनाने के लिए आयोजित किया गया था। ये केवल बकरीद ही नहीं, विभिन्न धर्मों के सभी त्यौहारों के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, प्रबंधन ने स्पष्ट किया। हालांकि इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों ने सोमवार को बंद का आह्वान किया है। दरअसल हिंदू संगठनों का काम क्या है? हिंदू संगठनों का काम है आपसी सौहार्द को खत्म करना, गंगा जमुनी तहजीब जहां भी अपनाई जा रही है वहां पर आकर विवाद खड़ा करना। इसके अलावा उनका कोई मतलब नहीं होता है। वो समझते हैं कि उनके हिसाब से होना चाहिए। कर्नाटक इसका बहुत बड़ा प्रतीक इसलिए भी है कि हिजाब के मुद्दे को लेकर बवाल करना हो, हलाल वर्सेस झटके को लेकर विवाद पैदा करना हो। जब मुंबई सरकार थी, यानी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में थी, तो इनके हौसले और बुलंद थे। अभी तो फिलहाल कमी घटनाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, और कांग्रेस सरकार ने कह ही दिया था कि अगर हिंदूवादी संगठन के लोग बवाल करेंगे तो फिर ऐसे संगठन पर बैन लगा दिया जाएगा और इनको तुरंत ही जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा अगर ये बवाल करने की कोशिश करते हैं। ये पहले ही कर्नाटक में चेतावनी ऐसे संगठनों को दी जा चुकी है, तो इसीलिए शांत बैठे हुए, इसीलिए ऐसे घटनाक्रम कम सामने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी इस तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आ रही, इससे आप समझ सकते हैं कि इनके हौसला कितना, मतलब इसके हौसले कितने बुलंद है। क्योंकि पहले डबल इंजन की ताकत मिल रही थी इनको, अब सिंगल इंजन बचा है। केंद्र का इंजन है, राज्य का इंजन है नहीं, और राज्य में सक्रियता जो है कांग्रेस की दिखाई दे रही है। और ये घोषणा पत्र में भी कांग्रेस के था कर्नाटक के, कि अगर किसी नफरती संगठन ने बवाल करने की कोशिश की तो ऐसे नफरती संगठनों को बैन कर दिया जाएगा। ये बात पहले ही कांग्रेस के घोषणा पत्र में कही जा चुकी है। तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदूवादी संगठन, जो हिंदू जनजागरण मंच, जो अपने आप को कानून, संविधान, लोकतंत्र सबसे ऊपर समझ रहे थे, जिन्होंने एक के बाद एक कर्नाटक में ध्रुवीकरण करने की पुरजोर तरीके से कोशिश की, मुसलमानों का फलों पर आधिपत्य बता दिया, कह दिया कि मुसलमानों गाड़ियों पर ना बैठें, मुसलमानों के दुकानों से फलें ना खरीदें, ये सब चीज़ें जो की गई थी वो सब दिखाई दे रही थी। कैसे मुसलमानों को आर्थिक तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश थी, मुसलमानों के ऊपर प्रताड़ना की जा रही थी, उनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, उनकी दुकानों पर तोड़फोड़ की जा रही थी। एक तरबूज वाले की दुकान पर कैसे तोड़फोड़ की गई थी, ये कर्नाटक की तस्वीर थी। हिजाब के बाद किस तरीके से माहौल पैदा किया गया, लेकिन उसका कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ। बजरंग दल बैन करने के बाद बजरंग बली का नाम लेकर भले ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने कर्नाटक में भरसक प्रयास किया, लेकिन वहां भी उनकी दाल गलती हुई नजर नहीं आई। तो अब ये जो हिंदूवादी संगठनों का ये प्लान है कि फिर से ध्रुवीकरण फैलाया जाए, इसका कुछ असर होने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं राज्य दर राज्य अब ये हिंदू मुस्लिम की घटनाएं क्यों बढ़ रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक आने वाला है, तो ऐसा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये प्रयास असंभव प्रयास है। जहां गंगा जमुनी तहजीब है वहां पर जो लोग मानते हैं, जो लोग समरसता को मानते हैं, वो लोग आज भी मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो द लाइव टीवी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।